मैं आपको यह कह देता हूं, राष्ट्रपति शासन लागू करिए, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। ये दुनिया में चंद्रचूर जी ने जो 100 मोटो नोटिस लिया तब आप बोलते हैं, और मुख्यमंत्री कहता है 100 बार ऐसे 100 घटनाएं हो चुकी है। पप्पू यादव, पप्पू जी, रेल चक्का जाम किया जाओ, ट्रेन आ गई है। भैया रेल चक्का जाम है डोमिसाइल मुद्दा, शिक्षक नीति में ये सही नहीं है। जब झारखंड में, महाराष्ट्र में, सभी जगह डोमिसाइल मुद्दा लागू है, और बिहार में छात्र सबसे ज्यादा गरीब है, आप हमको बताइएगा ना, हमको जरा बता दीजिए। आप वहां पर भी आप बाहर के लोगों को लाइएगा जो भाषा नहीं समझता, जो क्षेत्रवाद नहीं समझता। और हमारे यहाँ जब मैथ से लेके साइंस सब टॉपर हैं, दुनिया को हम देते हैं, और हमारे पास सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो डोमिसाइल मुद्दा किस बात को लेकर के। एक दूसरा चीज, अभी तक राष्ट्रपति शासन 3 महीना में 150 लोगों की मौत हो गई, पूरा जलने। दुनिया में आज तक कोई पीएम सीएम को सुने होंगे कि एक बार ट्वीट नहीं किया। दुनिया में ऐसी घटना जो 1.5 घंटों तक नंगा करके 15 साल की दुनिया ने जो देखा, हमारी बेटी देख रही होगी, माँ देख रही होगी, पत्नी देख रही होगी, बहन देख रही होगी, आपके घर की बहन देख रही होगी, क्या सोच रही होगी? क्या आप घर में बैठने की सब समय आ गया? समाज बहसी पर पन पर उतर जाए और समाज के द्वारा बलात्कार हो तब क्या होगा? आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत क्लियर है इस मामले में। इसीलिए मैं आपको यह कह देता हूँ, राष्ट्रपति शासन लागू करिए, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। ये दुनिया में चंद्रचूर जी ने जो 100 मोटो नोटिस लिया तब आप बोलते हैं, और मुख्यमंत्री कहता है 100 बार ऐसे 100 घटनाएं हो चुकी है। ऐसे मुख्यमंत्री को या तो आत्महत्या कर लेना चाहिए, या तो ऐसे मुख्यमंत्री को सुकरात की तरह जहर दे देना चाहिए, या नहीं तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। सेना के हवाले करने की जरूरत है मणिपुर को, और डोमिसाइल मुद्दा पुनर्विचार करें। नीतीश कुमार जी, ये मेरा हाथ जोड़कर पैर पकड़ के आग्रह है।